तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की यह टॉपिक यूनिक होने वाली है, कुछ अलग तरह का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आपको कोलकाता कांड की। जी हां दोस्तों, जो कि आज से लगभग 3-4 दिन पहले की बात है, जो कि कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर की किस प्रकार से हत्या कर दी गई। तो दोस्तों इसका सारा सर अन्याय जो किया है वो संजय राव है, जिसे अरेस्ट कर लिया गया है। तो दोस्तों आप पहले स्क्रीन पर वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपसे कुछ बातें करेंगे। तो ये पहले आप वीडियो देख लीजिए जो हम स्क्रीन पर लगा रहे हैं। बड़ी खबर कोलकाता से मिल रही है, महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया के जरिए ही तलाशी अभियान लगातार चल रहा है। पुलिस जनता आरोपियों की जानकारी साझा करे, कहना है पुलिस का कि जनता जो है आरोपियों के बारे में कोई भी डिटेल हो, कोई भी इनपुट हो, वो साझा करे डिटेल्स। 14 अगस्त की रात को जो हिंसा हुई और तोड़फोड़ की गई उसके मामले में कल पुलिस ने कुछ फोटोज भी जारी किए थे। जी हाँ दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया होगा और उसमें आपको न्यूज में बता रहा है कि पुलिस अभी तक लगभग 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो अब हम आपसे एक बात पूछते हैं कि क्या दोस्तों इन 19 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए? इन लोगों को जिस प्रकार उसके साथ जो हाल किया है, इन लोगों का भी वही हाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बात आप कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों मैं तो कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को वहीं पर उसी दिन पकड़ के फांसी देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आगे चल के और भी कोई लोग ऐसा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगेगा कि हम कोई भी कांड कर रहे हैं, चाहे वो बुरा हो चाहे वो अच्छा हो, सरकार तो हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो दोस्तों ये सब करने से उन लोगों का डर कम नहीं होगा। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ और ये वीडियो हमारे भारत सरकार तक पहुँचनी चाहिए, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि बड़े बड़े ऊंचे लोगों के पास पहुँचनी चाहिए, ताकि उन लोगों का भी न्याय मिले। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी उन लोग उस कांड में शामिल हो, सभी को फांसी देना चाहिए। तो दोस्तों बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के जरिए जरूर बताइए। बाकी दोस्तों ये छोटी सी वीडियो हम आपको थोड़ा इन्फॉर्म करने के लिए बना दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।